आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। देखिए, डीएमआरसी में 27 जनवरी को वैकेंसी निकाला है, यानी आज ही के दिन, और टोटल 1896 वैकेंसी है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लीजिए। पहला, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? 27 जनवरी से। लास्ट डेट कब तक है? 26 फरवरी। तीन सेक्शन में बटा हुआ है रिक्रूटमेंट। पहला है रेगुलर एग्जीक्यूटिव पोस्ट, दूसरा है रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो देखिए, ये सेक्शन ये जो है रेगुलर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो देखिए, गेट क्वालिफाइड होना चाहिए 2017 का। जी हाँ, और बी बी टेक तो आपको रिस्पेक्टिव जो भी आपका डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, वो तो आपको चाहिए ही। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, गेट के थ्रू जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे वो टोटल पोस्ट कितने हैं? 44। जी हाँ, 44 पोस्ट गेट के थ्रू होंगे। अब देखते हैं सेक्शन बी में रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं जूनियर इंजीनियर का, वो कितना है? इलेक्ट्रिकल का 192, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स 135। इसमें क्या चाहिए आपको? देखिए, इसमें आपको गेट क्वालिफाई होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए या फिर बीटेक चाहिए। यहाँ पे मेंशन नहीं है बीटेक, लेकिन बीटेक भी चलेगा, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसी तरह सब अपना अपना पोस्ट देख लीजिए, जो भी आपका ब्रांच है आप उसी हिसाब से देख लीजिए। मैकेनिकल का 87 है, सिविल का 24 है, इन्वायरमेंट का 2 है। अब देखिए आईटीआई वालों के लिए भी है मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन, टोटल 317 पोस्ट है, उसके लिए आईटीआई आपका होना चाहिए। देखिए, मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 530 पोस्ट है, मेंटेनर फिटर उसके लिए आपको 178 है। चलिए अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो देखिए, सेक्शन सी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें भी आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए, जो टॉप मोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो गेट क्वालिफाई होना चाहिए, और बी बी टेक तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप देख लीजिए नीचे, अब बात करते हैं इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखिए, इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 2 चीज़ें होंगी। पहला होगा टेक्निकल, जो कि 75 क्वेश्चन होंगे, और नॉन टेक 45 क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 मार्क्स कटेंगे। अब आते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 इंग्लिश होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट आपको मिलेगा सॉल्व करने का। और जो मेरिट बनेगा आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों कर मिला करके ही बनेगा, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला करके बनेगा। चलिए अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। फीस कितना रहेगा? देखिए, आपको पता है जनरल और ओबीसी के लिए 500 फीस है, और एससी एसटी बाकी के लिए 250 फीस रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। हम हाँ, अब ये देखिए सीबीटी जो टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 मैंने बता ही दिया। तो ये एग्जाम कब होगा वो बाद में आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप याद रखिए कि पेपर 1 में आपको 120 क्वेश्चन होंगे, 75 टेक्निकल आपके अपने ब्रांच के, 45 आपके नॉन टेक यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके इससे होंगे, और पेपर 2 जिसमें 60 क्वेश्चन होगा 45 मिनट्स का, वो होगा इंग्लिश का। आपको दोनों क्वालिफाई करना है, उसके हिसाब से मेरिट बनेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए, फॉर्म भरिए। धन्यवाद।